दुल्हन आ गई है पर्दे में। गाइस बाइक आ गई अपनी बाहर, ये था उमा राइडर्स और ये रही अपनी कीज, की टैग भी मिला है साथ में। लेने के बाद यहाँ चल रही है हमारी पार्टी, मुकेश की मीटिंग थी, जैसे मैंने मुकेश को बोला मल्दी राम जा रहे, कह रहा मीटिंग तो कैंसिल हो गई। रुद्र कितने रसगुल्ले हो गए भाई? अच्छा पनीर है क्या रसगुल्ले में? ना वाले लू खा रहा है जैसे गप गप गप। What's up guys? कैसे हो सारे? Welcome back to another vlog. So finally the day is here. हम जा रहे हैं उमा राइडर्स में अपनी बाइक लेने। 11 बजे पहुंचना था, अभी 12 बज गए हैं दोपहर के और धूप भाई अच्छी खासी हो रही है और बहुत तगड़ी गर्मी हो गई है। बहुत एक्साइटेड है भाई साहब। मनीष भी एक्साइटेड है क्या? मैं बहुत ज्यादा, मैंने देखी नहीं अब तक। हाँ मनीष ने कमेंट भाई, हाँ कुछ नहीं देखा तुम बच्चे। तुमने कुछ नहीं देखा, तुमने चिप्स का पैकेट और कोल्ड ड्रिंक देखी है सिर्फ, और इंस्टाग्राम पे नाम है इसका फिट बडी। स्लीप ट्रेन रिपीट्स, ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, हाँ वही ऐसा करके कुछ इसने पोस्ट। अरे छोड़ो ना, गोली मारो उसको। बाइक पे आते हैं मुद्दे पे, तो जब हम लोग बुक कराने गए थे उस टाइम कैमेट वाइट थी नहीं, हम हनले ब्लैक थी, मनीष ने टेस्ट राइड भी नहीं करी थी। अब अपनी ले लेंगे तो फाइनली मनीष चलाएगा। चलाएगा क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तो नहीं चलाएगा। प्लान तो वैसे ये है कि मनीष माया को लेकर लद्दाख जाएगा हमारे साथ, ऐसा मनीष ने बोला है। बाद में कुछ चेंज वेंज नहीं होता है, ये माया को लेकर चलेगा लद्दाख और मैं चलाऊंगा अपनी नई वाली हिमालयन, बदल बदल के चलाते रहेंगे। तो पहुंचते हैं फटाफट शोरूम पे, दिखाते हैं आप लोगों को बाइक। और ऑलराइट गाइस, तो ये रही अपनी बाइक, ये रहे अपने राउंड। हिमांशु पहले आ गया था, बाइक बाइक सही से साफ करा के हिमांशु ने गाड़ी करवा ली है पहली, बाकी बिलिंग हो रही है अंदर, ऐसे बिलिंग होती है, रूद रह रहा। मनीष गाड़ी पार्क कर रहा है, आ रहा है भाई। इन पर्सन तो अलग ही रुतवा है बाइक का। और ये रहा अपना नया हेलमेट, फाइनली माइक का सेटअप भी मैंने कर दिया, प्रॉपर मोटर ब्लॉगिंग रेडी हो गया है। मंगाया था राइड पे, राइड तो कैंसिल हो गई, उस टाइम मैं बीमार पड़ गया था और तब से फिर ये इंतज़ार कर रहा था नई अपनी बाइक का। अब अपनी नई बाइक के साथ जाएगा ये भी राइड पे। दुल्हन आ गई है पर्दे में, अब इसका पर्दा हटाया जाएगा फटाफट। एक्साइटेड मैं छू, कहाँ चलना है फिर राइड पे बाइक लेके? लद्दाख तो टाइम है, लद्दाख तो टाइम है, पहले तो उसकी फर्स्ट सर्विस करानी पड़ेगी ना। Too much. निवम? Very excited. निवम ने अभी हेलमेट ले लिया, बाइक कब आएगी? बाइक पहले हेलमेट आ गया, बाइक भी आई जाए। गाड़ी के लिए लिया हेलमेट। और मांशु? Crazy. मांशु खड़ा है पहली बाइक को पकड़ के, हमारे आने से पहले मांशु आ चुका था। ट्यूनिंग कर रहे हैं बाइक के साथ। हाँ यार, बाइक के साथ कलर कौन सा होगा? बाइक के साथ सही ट्यूनिंग हो रही है? नहीं तो बाइक को लेके तो मैंने पहले ही बता दिया। वो नहीं है। Excited, super है। करके feeling ले। ये भी आज साला बीच में। चलो आजा। चलो। और मटर करो, मटर मटर। ताली बजा दो भाई, ताली बजा दो। Happy biking. मैं भी हाथ लगा दूं। कांग्रेचुलेशन।
हमारी बाइक की डिलीवरी हो गई और इन भाइयों ने बहुत ही मेमोरियल जो प्रेजेंटेशन दी है भाई, बाइक का मजा आ गया उसके लिए, थैंक यू यार। चलो फिर निकलते हैं, वीडियो आएगी। थैंक यू, थैंक यू गाइस। बाइक आ गई अपनी बाहर, ये था उमा राइडर्स और ये रही अपनी कीस, की टैग भी मिला है साथ में। अब निवम स्टार्ट करेगा इसे। मेरी बाइक है भाई। पेपर मेरे नाम पे है, दिखा ना। देखिए बाइक ले ली गई। चलो भाई जल्दी स्टार्ट करो। ऑल राइट गाइज, तो फाइनली नए हेलमेट के साथ ब्लॉगिंग। आवाज़ पता नहीं कैसे आएगी, माइक ऐसी सेटअप कर ला। आ गई अपनी बाइक और 5-10 मिनट खड़ी हुई है, सीट ऐसी गर्म हो गई। यहाँ से हमने ली डिलीवरी, अब निकलते हैं यहाँ से। नहीं ओ तेरी भाई, बहुत हैवी तो है। चलो भाई ये हो गया अपना फर्स्ट स्टार्ट। थैंक यू भाई। ओ तेरी, पैरों का तो कुछ करना पड़ेगा यार, आ जा। हाँ भाई मुकेश, लेने के बाद यहाँ चल रही है हमारी पार्टी। मुकेश की मीटिंग थी, जैसे मैंने मुकेश को बोला मल्दीराम जा रहे, कह रहा मीटिंग तो कैंसिल हो गई। सही कह रहा हूँ ना, ऐसी कह रहे सही बात है। ऑन करती नहीं, वो हमने प्लेटें हटाना शुरू कर दी। रुद्र कितने रसगुल्ले हो गए भाई? अच्छा पनीर है क्या रसगुल्ले में? सही से बताएगा रुद्र कैसे खा रहा है? ना वाले नू खा रहा है जैसे गप गप गप। अब नहीं बोलेगा इस आदमी की प्लेट दे। ये रही हमारी पूरी टेबल, खा भी लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। सारा बिल हमसे लेके और प्लेट दिखा रहे हो यार, ये तो गलत बात है। कम से कम सालो झूठ तो मत बोलो। ऑर्डर भी रुद्र देने गया था क्योंकि उसे पनीर का ऑर्डर करना था, इसलिए गया वो, वरना जाता नहीं। कौन सा वाला लाया? धुएं वाला। अरे नहीं परेशान करो यार, परेशान मत करो, आएगा भी नहीं वो दोबारा, फिर नहीं चाहिए करो। चल ठीक है, बाय बाय। चल ठीक है, बाय बाय। मजा आ रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है। क्लच तो भाई बहुत स्मूथ है इसकी। अभी जब तक फर्स्ट सर्विस नहीं होगी 6000 RPM तक रखने को बोला है, 6000 से ऊपर नहीं जाना है। और मैंने अभी GoPro अपना 50 हर्ट्ज पे कर दिया है और 100 FPS पे मैं शूट कर रहा हूँ। पता नहीं, मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ, कैसा आएगा, होपफुली क्वालिटी ठीक आ जाए और आपको इसकी ब्लिंकिंग से छुटकारा मिल जाए। थोड़ा तो टाइम लगेगा गियर वेयर सीखने में, पर तो ऑलमोस्ट 2:30 बज गया यार। तो हाँ यार, टाइम तो सामने आ रहा है पर टेम्परेचर है 36 डिग्री, बहुत तेज़ धूप है। घर पहुँचते हैं शाम को, इसकी पूजा वूजा कराने निकलेंगे, तो अभी दोपहर में तो मंदिर भी बंद होगा। यार इस हेलमेट में फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो कैमरा एंगल भी पता नहीं कैसा ही आ रहा होगा। आई होप सब अच्छा आ रहा हो और बढ़िया सा ब्लॉग बने आज का।
बट गाइस सपोर्ट तो बनता है, थोड़ी तो मेहनत लगती है ब्लॉग व्लॉग बनाने में, एडिटिंग में मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो भाई लाइक करो, वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर हिमालयन के जितने फ़ैन हैं भाई साहब अब अपना चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। एक से एक बेहतरीन राइड प्लान्ड है अपनी, और होपफुली इस बार सारी एग्जीक्यूट होंगी, कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि सोलो करनी पड़ी अपन सोलो करेंगे पर राइड करेंगे ज़रूर, कैंसिल नहीं होने देंगे। एक बार हाँ सेट हो जाएगा ना, 100-200 किलोमीटर चलाएंगे मस्त, बस फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ तक चल गई है 13 किलोमीटर, खैर ऑलमोस्ट साइड 16 है, 16 किलोमीटर के अराउंड होगा। डर तो लग रहा है, शाम को या सुबह चलाएंगे खाली रोड पे थोड़ा। तो बताओ भाई साहब आप सामने का डैशबोर्ड कैसा लग रहा है, टाइम टेम्परेचर सब है, और 36 डिग्री टाइम था, यहाँ पे 39 डिग्री आ रहा है टेम्परेचर, भाई बहुत गर्मी है यार। ग्लव्स थे बैग में पर डालने का मन नहीं किया, एक तो थोड़ा बाइक को भी प्रैक्टिस में आने देते हैं। और अब मेरे पास 6 गियर हैं, ये मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। हमसे चलने वैसे 6 की ज़रूरत थी नहीं, बट है तो डाल के चलाते हैं 6 गियर। वॉइस क्वालिटी बताना यार, माइक को मैंने आगे की तरफ प्लेस किया है, अभी तक जो पुराना वाला हेलमेट उसमें पीछे लगा हुआ था, तो एक बार वॉइस क्वालिटी मुझे बताना कैसी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही इस हेलमेट पे सेटअप करेंगे। इसमें मैंने जल्दी में सेटअप किया, मैं भूल गया था माइक सेटअप करना, पहले पुराने वाला हेलमेट ले जा रहा था, फिर मैंने कहा नया ही लेके चलते हैं। वही सीज़न के वो दिन आ गए कि नाक पे पसीना टपक रहा है मेरी। एकदम से गर्मी आई है भागते भागते, लेट हो रही थी ना बार बार, सर्दी वापस आ रही थी, इस बार गर्मी पूरे कब्जे के साथ आई है। अठारह किलोमीटर टोटल हो गया, ओडो करा अपना कराते हैं टैंक फुल। हाँ भैया टैंक फुल करना, कट पे रोक दो। All right guys, तो आ गई अपनी बाइक अपनी पार्किंग में, ये अपनी नई बाइक आगे खड़ी है अपनी माया, इसी के पीछे लगेगी ये वाली बाइक भी, ये खड़ी है अपनी माया। थोड़ी गंदी हो गई, धूल मिट्टी भी कवर डाला नहीं था। बट गाइस तो यार अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत गर्मी है, चेहरे की हालत देख रहे हो, 13-14 किलोमीटर आने में हमारा ये हाल हो गया। तो बाइक खड़ी अपनी, ये बाइक आ गई है घर पे, तो बताइए, वीडियो ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता है बाइक के लिए, उसका एक कमेंट तो आना ही चाहिए। शाम को जाएंगे पूजा वूजा कराने, अभी तो क्योंकि 2:30 बज रहा है, 3 बज गया ऑलमोस्ट, तो मंदिर भी अभी बंद है, शाम में चलेंगे, थोड़ा धूप भी कम हो जाएगी, बाइक चलाने का भी मज़ा आएगा और मंदिर भी खुल जाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं ऐसे किसी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।